इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के पास 90 के दशक में करीब 3000 परमाणु बम थे, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच समझौते के बाद यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु बम नष्ट कर दिए। और अब ये बड़ा आरोप लगाया है रूस ने अमेरिका पर कि उसने यूक्रेन की मदद की है परमाणु बम बनाने में। यूक्रेनी सेना ने कीव को किलों में तब्दील कर दिया है। कीव को अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना ने हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेन के हौसले और हिम्मत के आगे रूसी सेना टिक नहीं पा रही है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। डिलेज की बात करें तो यस, डिले जरूर हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रेटजी ये भी रही होगी कि किसी भी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा यूक्रेन और रशिया के ऊपर कि ये लड़ाई 10-15-20 दिन के अंदर रोक ली जाएगी। मुझे लगता है वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी इसमें फेल हुई है। यूक्रेन अपने आप में स्टिफ रेजिस्टेंस दे रहा है, रशिया अपने आप में खूब ज़्यादा बमबारी कर रहा है, घातक बमबारी कर रहा है। दरअसल कीव की हिफाजत में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कीव के मेयर विताली क्लिटशको खुद भी डटे हुए हैं। विताली कीव के अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे और हर बंकर में तैनात जवानों की हौसला अफजाई के लिए खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विताली कीव शहर में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों से भी मिल रहे हैं और उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में जीत यूक्रेन के हौसले और हिम्मत की ही होगी। Дорогие кияни, місяць вже Україна протистоїть російському агресору. Вже місяць героїчно б'ються наші захисники. Ворог намагається знищити наші міста, вбиває мирних мешканців. Життя кожного українця перевернулось. Хтось зі зброєю в руках захищає країну, хтось втратив домівку і покинув рідне місто чи рідну країну, а хтось, найтрагічніше, втратив своїх рідних. Київ के मेयर Віталій Кличко के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कीव को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल रूसी सेना लगातार कीव पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини, поранено 307 цивільних і 16 дітей. दरअसल कीव का मेयर बनने से पहले Віталій Кличко पेशेवर मुक्केबाज रह चुके हैं। Віталій 2014 से कीव के मेयर हैं। Віталій के पिता सोवियत संघ की एयरफोर्स में मेजर जनरल थे। Віталій की पत्नी Наталія एक मॉडल है और उनके तीन बच्चे हैं। Віталій साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवी वेट चैंपियन रह चुके हैं। Віталій ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर में 47 बाउट्स लड़े, इनमें से उन्होंने 45 में जीत हासिल की और महज 2 बाउट्स ही हारे। Віталій को बॉक्सिंग सर्किट में डॉक्टर आयरन फिस्ट यानी लोहे की मुट्ठी वाला डॉक्टर कहा जाता था। 2021 में Віталій को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। आज की तारीख में Віталій Кличко एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो कीव के बाशिंदों के अलावा पूरे यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।